न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त एक दुखद खबर, बड़ी खबर लेकर हम लोग चोपड़ा से आ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, चोपड़ा में एक भयानक अग्निकांड की घटना आई है, जिसमें इस्लामपुर की दो दमकल की गाड़ियां जो है घटना स्थल पर पहुंची है। आप देख सकते हैं आग की लपटें जो है कितनी ऊंचाई तक जो है फैल गई है, तथा बताना चाहेंगे एकाधिक दुकान में देख पा रहे हैं धीरे धीरे आग की लपटें जो है वो फैल रही है। इस्लामपुर से दो दमकल की गाड़ियां जो है चोपड़ा के इस बस स्टैंड के पास ही जो दुकान है उसी दुकान में आग लगी है, ऐसी जानकारी आ रही है। इस वक्त देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें है, आप लोग चोपड़ा से जो हमारे प्रतिनिधि भेज रहे हैं वो सब तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे चोपड़ा बस स्टैंड के पास एक जो है गैरेज तथा एक टायर की दुकान में भयानक आग लगी है, और इस आग की लपटें देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक बढ़ रही है। तथा आप लोगों को बताना चाहेंगे यह जो आग लगी है वह एक टायर की दुकान में आग लगी है, तथा गैरेज भी थी साथ में, और यह जो इसका जो लोकेशन है वह ठीक चोपड़ा बस स्टैंड के सामने है। दमकल की दो गाड़ियां इस्लामपुर फायर सर्विस से दमकल की दो गाड़ियां जो है चोपड़ा की घटना स्थल पर पहुंच चुकी है, तथा आग को नियंत्रण करने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटें जो है काफी तेज है। स्थानीय निवासी की मदद से तथा दमकल कर्मियों की मदद से, साथ ही साथ चोपड़ा थाना के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में इस वक्त जो है आग को बुझाने की हर तरह से कोशिश की जा रही। देख पा रहे दमकल कर्मी जो है हर तरह की जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आग पे नियंत्रण पाया जाए, और लगातार एक के बाद एक दुकान में यह जो आग की लपटें हैं देख पा रहे हैं कितनी तेज जो है आग की लपटें हैं धीरे धीरे एक दुकान से दूसरे दुकान की ओर बढ़ रही है। अभी तक जो है ताज़ा जो है तथ्य अभी तक नहीं आ रही है कि कुल कितने कितने दुकानों में जो है यह अग्निकांड की घटना घटी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वह यह कि चोपड़ा बस स्टैंड के पास जो है एक टायर की दुकान में, साथ ही गैरेज जो है इस दुकान में थी, और इसी दुकान में आग लगी है। देख पा रहे दमकल कर्मी जो है सक्रिय भूमिका पालन करते हुए दो दमकल की गाड़ियाँ जो है घटनास्थल पर गई हैं, तथा हर तरह से देख पा रहे हैं कि दमकल कर्मी जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रही। देख पा रहे सीधी तस्वीर कितने रिस्क में जो है दमकल कर्मी जो है आग की लपटों को जो है बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे दुकान के अंदर आग की, देख पा रहे हैं दमकल कर्मी पूरी तरह से यहां पर बसते हुए। आप सभी को बताना चाहेंगे यह जो घटना घटी है चोपड़ा बस स्टैंड के पास एक टायर की दुकान में घटी है। अभी तक जो है ताज़ा तथ्य सामने नहीं आ रहा है कि कुल कितने दुकानों में जो है आग की लपटें गई है, कितने दुकानों में नुकसान पहुंची है, लेकिन आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी तेज गति से यह जो है आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं तथा हर तरह से जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे अग्निकांड की घटना सामने आ रही है चोपड़ा से इस वक्त आप लोगों के सामने हम लोग लाइव तस्वीरें रखने की कोशिश कर रहे हैं, तथा जो भी हम लोगों के पास अपडेट आएंगे अवश्य जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तथा यह जो जिसकी यह दुकान थी, दुकान के मालिक का क्या कहना है उनसे भी हम लोग अवश्य जो है बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुभ देख पाए कि आग की लपटें जो है कितनी ज़्यादा फैल गई हैं, धीरे धीरे जो है आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। दमकल कर्मी जो है सक्रिय भूमिका पालन करते हुए स्थानीय निवासी भी जो है हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चोपड़ा बस स्टैंड की यह घटना घटी है, जिसमें रात के करीब 11:30 बजे करीब जो है अग्निकांड की घटना सामने आ रही है, और आग की लपटें जो है वास्तव में जो है काफ़ी तेज थी, धीरे धीरे जो है आग पूरे इलाके में जो है फैलती गई। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे यह जो तस्वीरें देख रही हैं वह
ताज़ा तस्वीरें सीधे जो है चोपड़ा से आ रही है। हमारे सह प्रतिनिधि जो है चोपड़ा में मौजूद, वहाँ से सीधी तस्वीरें हम लोगों को भेज रहे हैं और उन सब तस्वीरों को, उन सब वीडियो को जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। दमकल कर्मी जो है अपनी जान पे खेल कर जो है हर तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को किस तरह से बुझाया जाए और हर तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। स्थानीय निवासी भी जो है भूमिका निभा रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस आग को बुझाया जाए। न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त एक दुखद खबर, बड़ी खबर लेकर हम लोग चोपड़ा से आ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, चोपड़ा में एक भयानक अग्निकांड की घटना आई है जिसमें इस्लामपुर की दो दमकल की गाड़ियां जो है घटनास्थल पर पहुंची है। आप देख सकते हैं आग की लपटें जो है कितनी ऊंचाई तक जो है फैल गई हैं, तथा बताना चाहेंगे एकाधिक दुकान में देख पा रहे हैं धीरे धीरे आग की लपटें जो है वो फैल रही है। इस्लामपुर से दो दमकल की गाड़ियाँ जो है चोपड़ा के इस बस स्टैंड के पास ही जो दुकान है उसी दुकान में आग लगी है, ऐसी जानकारी आ रही है। इस वक्त देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें आप लोग चोपड़ा से जो हमारे प्रतिनिधि भेज रहे हैं, वो सब तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहिए चोपड़ा बस स्टैंड के पास एक जो है गैरेज तथा एक टायर की दुकान में भयानक आग लगी है और इस आग की लपटें देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक बढ़ रही है, तथा आप लोगों को बताना चाहेंगे यह जो आग लगी है वह एक टायर की दुकान में आग लगी है तथा गैरेज भी थी साथ में, और यह जो इसका जो लोकेशन है वह ठीक चोपड़ा बस स्टैंड के सामने है। दमकल की दो गाड़ियां इस्लामपुर फायर सर्विस से, दमकल की दो गाड़ियां जो है चोपड़ा की से घटनास्थल पर पहुंच चुकी है तथा आग को नियंत्रण करने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटें जो है काफ़ी तेज हैं। स्थानीय निवासी की मदद से तथा दमकल कर्मियों की मदद से, साथ ही साथ चोपड़ा थाना के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में इस वक्त जो है आग को बुझाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। देख पा रहे हैं दमकल कर्मी जो है हर तरह की जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आग पे नियंत्रण पाया जाए, और लगातार एक के बाद एक दुकान में यह जो आग की लपटें हैं देख पा रहे हैं कितनी तेज जो है आग की लपटें हैं धीरे धीरे एक दुकान से दूसरे दुकान की ओर बढ़ रही है। अभी तक भी जो है ताज़ा जो है तथ्य अभी तक नहीं आ रही है कि कुल कितने दुकानों में जो है यह अग्निकांड की घटना घटी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वह यह कि चोपड़ा बस स्टैंड के पास जो है एक टायर की दुकान में, साथ ही गैरेज जो है इस दुकान में थी और इसी दुकान में आग लगी है। देख पा रहे दमकल कर्मी जो है सक्रिय भूमिका पालन करते हुए दो दमकल की गाड़ियाँ जो है घटनास्थल पर गई हैं तथा हर तरह से देख पा रहे हैं कि दमकल कर्मी जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कितने रिस्क में जो है दमकल कर्मी जो है आग की लपटों को जो है बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं दुकान के अंदर आग की, देख पा रहे हैं दमकल कर्मी पूरी तरह से यहां पर बचते हुए। आप सभी को बताना चाहेंगे यह जो घटना घटी है चोपड़ा बस स्टैंड के पास एक टायर की दुकान में घटी है। अभी तक जो है ताज़ा तथ्य सामने नहीं आ रहा है कि कुल कितने दुकानों में जो है आग की लपटें गई है, कितने दुकानों में नुकसान पहुंची है, लेकिन आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी तेज गति से यह जो है आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं तथा हर तरह से जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे अग्निकांड की घटना सामने आ रही है चोपड़ा से इस वक्त आप लोगों के सामने हम लोग लाइव तस्वीरें रखने की कोशिश कर रहे हैं, तथा जो भी हम लोगों के पास अपडेट आएंगे अवश्य जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तथा यह दुकान के मालिक का क्या कहना है उनसे भी हम लोग अवश्य जो है बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त देख पाए कि आग की लपटें जो है कितनी ज़्यादा फैल गई हैं, धीरे धीरे जो है आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। दमकल कर्मी जो है सक्रिय भूमिका पालन करते हुए स्थानीय निवासी जो है हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चोपड़ा बस स्टैंड की
यह घटना घटी है, जिसमें रात के करीब 11:30 बजे करीब जो है अग्निकांड की घटना सामने आ रही है और आग की लपटें जो है वास्तव में जो है काफ़ी तेज थी। धीरे धीरे जो है आग पूरे इलाके में जो है फैलती गई। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे, यह जो तस्वीरें देख रही हैं वह ताज़ा तस्वीरें सीधे जो है चोपड़ा से आ रही है। हमारे सहप्रतिनिधि जो है चोपड़ा में मौजूद, वहाँ से শিলিগুড়ি কলকাতার দুই জায়গা থেকে মাল আনতাম, কুচু কুচু ডাইরেক্ট ব্রান্ড যেগুলা এক সাইড ব্যাটারি এমরন এমআরএফ এর টায়ার কুচু সিয়েট এপোলো অনেকগুলা টায়ার ব্র্যান্ড আমি টায়ারে ঘুরাতাম। কত টাকার মাল ছিল? মিনিমাম 40 লাখ টাকার মাল ছিল। আগুনটা কিভাবে লাগলো কি বুঝলেন? আমি কিছুই বলতে পারবো না। ভাইটা ছিল দোকানটাকে, ভাইটাকে বললাম তুই বন্ধ করে আয়। বাড়িতে একটা বিয়ে ছিল, বিয়ের জন্য বাড়িতে বসার জন্য ওই জন্য বাড়িতে চলে গেছিলাম তাড়াতাড়ি করে। ভাইটাকে বললাম তুই বন্ধ করে আই তাড়াতাড়ি আমার দোকান বন্ধ করে। ওকে আমি ভালো মতো বলে দিলাম সবগুলা জিনিস ঢুকা, ও ঢুকালো আমার সামনে। আমি একটু বললাম তো একটা পাঞ্চার আসছে, পাঞ্চারটা মারে দে, তারপরে লেট করে আসিস। আপনার কিসের দোকান করতেন? আমি মোটরসাইকেল গ্যারেজ করতাম। আপনার নাম? আমার নাম আনোয়ারুল। 100 টাকা দিয়ে দোকান ধরছিলাম, মিনিমাম 37-40 লাখ টাকার মতো মাল জড়াই রাখছিলাম। টোটাল আমার কাছে 15 লাখ টাকা শিলিগুড়ির মহাজন পাবে। আর কোন কোন মহাজন কত টাকা পাবে? এসবি পাবে, কমলা পাবে, অনেকগুলা প্রকাশ পাবে, কমল টায়ার সার্ভিস পাবে এমরন থেকে, অনেকগুলা অতগুলা আর আমার দিমাগে আসতেছে না। এম এস উজালা পাবে একটা টায়ারের মহাজন, কিষানগঞ্জ থেকে একটা টায়ারের মহাজন পাবে। ও প্রথম আমাকে 1 লাখ টাকার মাল পাঠায় যে ভরসা করে, ভাইটা আমার সাথে গলা মিলায় তারপরে পাঠায়।